क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, चाहे परिवार में कितने भी लोग कमाने निकलें, पूरा नहीं होता। और जब हमारा संविधान बना, जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष लड़े। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज देखिए जो देश में परिस्थितियां हैं, मैं चाहती हूं कि दो तरह से आप इनको समझें। सबसे पहले तो जो आपकी अपनी परिस्थिति है, जो आपका अपना जीवन है, जो आपका अपना संघर्ष है, जो रोज सुबह से शाम को जिन समस्याओं का आप सामना करते हैं, जिस तरह से आप हर रोज आपके सामने एक तरह से एक लड़ाई होती है, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, चाहे परिवार में कितने भी लोग कमाने निकलें, पूरा नहीं होता। जब त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, या कोई बीमार पड़ जाता है, उसका इलाज करना पड़ता है, तो मुश्किलें ही मुश्किलें लगती हैं सामने। और आजकल देश में जो आम आदमी है, उसके लिए जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है। हर स्तर पर परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जैसे आप खास तौर से अपने समाज को देखें, तो आपकी एक जल जंगल जमीन की एक संस्कृति है। मेरी दादी जी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि उनके दिल में सबसे ज्यादा आदर आपकी संस्कृति के लिए इसलिए था क्योंकि आपकी संस्कृति में चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, उसे बहुत आदर से, प्रकृति को बहुत आदर से, और प्रकृति के जो खुद की जो प्रकृति के नियम हैं, उनका आदर करते हुए आपने अपने जीवन में नियम बनाए। तो दादी जी हमेशा कहती थी कि सबसे ज्यादा वह आदिवासी संस्कृति का आदर करती थी। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना, तो उस संविधान में खास तौर से सबको समान अधिकार मिला, ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारोबार करता हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेस करता हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्री हो, या कोई रईस आदमी हो, सबका एक समान अधिकार इस संविधान ने हमें दिया। और इस संविधान को बनाने के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, हमारे बड़े बड़े महापुरुष लड़े। तो इस संविधान ने अगर आपको कुछ दिया है, तो ये जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो दिया है, वोट का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। अब आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं, और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया, और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हों, चाहे दलितों के अधिकार हों, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हों, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है।
और जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो लोकतंत्र को बचाते हैं, जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमज़ोर किया है। चाहे आप मीडिया को लीजिए, एक ज़माने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज़ हमसे सवाल उठाती थी, हर रोज़ कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए, किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उन्हें उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है,